महाराष्ट्र के मरीन ड्राइव में सावित्रीबाई फुले महिला छात्रालय में छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हॉस्टल के कमरे में छात्रा का शव मिला है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया था। लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में नए अपडेट के अनुसार घटना के आरोपी ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी है। लड़की की उम्र महज 19 साल बताई जा रही है। बता दें कि वह सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लड़की के गले में दुपट्टा लपेटा हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी उसी हॉस्टल में काम करता था। हालांकि घटना के बाद से ही वो गायब था। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो मरीन ड्राइव के पास चारनी रोड रेलवे ट्रैक के पास उसका शव मिला। बताया जा रहा है कि उसने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। वो हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसका नाम प्रकाश कनौजिया बताया गया है। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ रेप और बलात्कार का मामला दर्ज किया है। हॉस्टल में लड़की की डेड बॉडी मिली है, क्या जानकारी अभी तक मिली है सर? इसके बारे में जरा बताएं। सावित्री देवी फुले ये महिला छात्रालय यहाँ पे चरनी रोड स्टेशन के पीछे मरीन ड्राइव पे है। 18 साल 2 महीने के लड़की थी, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी बॉडी उसके रूम में पाई गई थी। उनको बाहर से लॉक किया गया था। जो वहाँ का सिचुएशन था, वो उठा ना 5 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। इमीडिएटली पुलिस ने उसको स्पॉट पर उसके बाद फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। और इस बारे में जो FIR है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दाखिल की जा रही है। आगे की तपास जारी है। सर, ये भी कहा जा रहा है जो एक आरोपी है, किसी का सर डेड बॉडी मिला है सर? देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।